हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो हमारे ब्लॉग वीडियो में आप सभी के दोस्तों स्वागत है दोस्तों। तो आज जो है दोस्तों जो है चने का छोला बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिए ये चना है दोस्तों, इसी को दोस्तों जो है छोला बनाया जाएगा दोस्तों। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो की स्टार्ट। छोला बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है दोस्तों चने को भिगोना पड़ेगा दोस्तों पानी में। तो इस तरीके से आपको भिगो देना है दोस्तों करीब 4 घंटे के लिए। दोस्तों 4 घंटे के बाद हम चने को निकाल रहे हैं, देखिए एकदम फूल गया है दोस्तों। और चने को दोस्तों पानी से बाहर निकाला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, चने को जो है बर्तन में निकाल लिया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, चना बाहर निकाल दिया गया है। तो दोस्तों ये देखिए जो है चूल्हे में आग लग गया है, भगोना को दोस्तों चढ़ा दिया गया है दोस्तों। भगोना के अंदर पानी है, पानी के बाद दोस्तों उसको आलू डाला जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद जो इसमें चना डाला जाएगा दोस्तों, तो इस चने को थोड़ा उबाला जाएगा दोस्तों। ये देखिए हमारा उबल के एकदम रेडी हो गया आलू और चना। उसके बाद उसको निकाला जा रहा दोस्तों। तो दोस्तों आपको प्याज को छील लेना है दोस्तों। उसके बाद जिस प्याज से आप तड़का लगाना चाहते हो उसको बारीक काट लीजिएगा दोस्तों, और कुछ प्याज जो है थोड़ा सा बड़ा काट लीजिएगा दोस्तों। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ठीक उसी प्रकार से आपको कर लेना है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको प्याज को काट लेना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको मिर्चा काट लेना है। जी हाँ दोस्तों, मिर्चे को आपको काट लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको लहसुन को छील लेना है। लहसुन छीलने के बाद दोस्तों उसको भी आपको बारीक काट लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है लहसुन भी दोस्तों देख जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों लहसुन भी कट गया है, मिर्चा भी कट गया है, और दोस्तों प्याज भी कट गया है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 2 पुड़िया उसमें मसाला डाला जाएगा। दोस्तों हम मसाला बहुत ही कम खाते हैं, तो इसलिए आप अगर ज़्यादा खाते हैं दोस्तों तो आप मसाले को ज़्यादा भी डाल सकते हैं दोस्तों। और मसाले में देखिए दोस्तों पानी डाला जा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, कढ़ाई में तेल डाला जा रहा है दोस्तों। तो ठीक इसी प्रकार से आपको डाल लेना है। ये दोस्तों जो तेल का प्रयोग कर रही है कड़ुआ तेल है दोस्तों, सरसों का। तो दोस्तों इसके बाद इसी में डाल दिया गया दोस्तों, मिर्चा भी कटा हुआ डाल दिया गया, प्याज भी, और उसके बाद लहसुन। जी हाँ दोस्तों, तीनों चीज़ में डाल दिया गया है इसको भूजने के लिए दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों जो है मसाला भी डाल दिया गया है उसी में। उसके बाद दोस्तों आलू को निकाल लेना है दोस्तों। तो आलू का छिलका आपको निकाल देना है, जो कि आलू उबला हुआ है। तो जैसा दोस्त आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों वैसा आपको कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मसाला भी पक गया है दोस्तों। आलू को थोड़ा छोटा काट लेना है दोस्तों। और ये देखिए बड़ी कटी हुई प्याज को डाल दिया गया है दोस्तों। इसमें नमक आपको डाल लेना है स्वादानुसार, तो इसी तरीके से आपको भी डाल लेना है। और ये देखिए दोस्तों, कटा हुआ आलू, उसके बाद जो है चने को डाल दिया जा रहा है दोस्तों। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इसी प्रकार से आपको कर लेना है। ऐसे थोड़ा डुला दीजिएगा दोस्तों, ताकि मसाला एकदम मिक्स हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारा छोला एकदम पक के रेडी हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी ऐसा ट्राई करिएगा, उस बनाने के बाद आप बताइएगा कैसा बना दोस्तों। तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों हमारा छोला एकदम कंप्लीट हो गया है। छोला एकदम दोस्तों हमारा बनके एकदम रेडी हो गया दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।